फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों को मैं पहले वीडियो बनाया था कि मेरे चैनल पर 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं यानी 100 से ज़्यादा फैमिली जुड़ चुके हैं तो उसमें फिर मैं एक और चीज़ बताया था कस्टम यूआरएल के बारे में कस्टम यूआरएल आर एल यूट्यूब के तरफ से मिलता है 100 सब्सक्राइबर होने के बाद आपका चैनल एक महीना पुराना होना चाहिए और चैनल में लोगों और कवर का भी फ़ोटो होना चाहिए चैनल बैनर में तब जाके कस्टम यूआरएल प्राप्त होता है और कस्टम यूआरएल से क्या फ़ायदा होता है मैं उस वीडियो में पूरा बता दिया हूँ तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पर आज मैं कस्टम यू का ही वीडियो बनाया हूँ क्योंकि मैंने बताया था उसमें कि मेरा कस्टम यू एबल नहीं हुआ है यानी इनेबल है अभी चालू नहीं किया था ओपन नहीं हुआ था तो फाइनली आज मेरा ओपन हो चुका है तीन ईमेल करने के बाद यूट्यूब ने हमको इनेबल एबल कर दिया है ओपन कर दिया है कस्टम यू जो कि पहले का वीडियो का यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं पहले एबल नहीं था इनेबल था बंद था आज दिखाएंगे आप लोग की चालू हो चुका और कस्टम यू को अपने नाम से अपने चैनल के नाम से कैसे बना सकते हैं और कस्टम यू से क्या क्या फ़ायदा होता है उसका सारा डिटेल्स बता दिया तो उस वीडियो को ज़रूर देखना है तो आज मैं बताने वाला हूँ कि कस्टम यू कैसे बना सकते हैं तो अभी तक तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ऑन करने के लिए अपना कस्टम यू में नाम लिखने के लिए आपको सबसे पहले गूगल क्रोम या गूगल को ओपन कर लेना और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है वाई टी स्टूडियो इतना करने के बाद आपको सर्च वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और सबसे पहले आपको जो ऑप्शन मिल रहा है यूट्यूब स्टूडियो इसी पर आपको क्लिक करना है तो इस तरह से आपका चैनल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पर इधर आपको कुछ ऑप्शनें आपको दिखाई दे रही है तो यहाँ पर नीचे इस तरह स्क्रॉल करते हुए आना है और स्क्रॉल करते हुए आना है यहाँ पर आपको म्यूजिक का ऑप्शन मिला है और म्यूज़िक के ऊपर जो फर्स्ट ऊपर जस्ट इसका ऊपर जो आपका शो हो रहा है इस पर आपको क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करेंगे कस्टमाइजेशन पर उसके बाद आपका अगला ऑप्शन इस तरह निकल जाएगा ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको शो कर रहा है तो यहाँ पर आपको बेसिक इन्फो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है तो क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना और स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा चैनल यू आर एल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा चैनल का यू आर एल ओपन हो गया है और यहाँ पर पहले ये शो नहीं करता था सेट टे कस्टम यू आर एल योर चैनल ये ऑप्शन नहीं दिखाई देता एग्ज़ाम्पल यहाँ देख सकते हैं कि मैं अगला वीडियो में जो बनाया था ये शो नहीं करता था लेकिन अभी मेरा ये हो चुका है क्योंकि मैं यूट्यूब के यूट्यूब पर ईमेल किया था तो ये मेरा लिंक ओपन हो गया तो यहाँ पर आपको सेट करने के लिए सेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है तो जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पर आपको आपका चैनल नेम जो है उसी को यहाँ पर एक यूट्यूब कर देता है तो यहाँ पर मेरा चैनल का नेम अपना टेक्निक है तो इसी नाम से यहाँ पर एक अवेलेबल है अगर अगर आप चाहते हैं कि आप अपना चैनल पर दूसरा नाम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पर आपको इस तरह से हटा लेनी और हटाने के बाद आपका नाम लिख लेगा लेकिन यहाँ पर आपको लिखने से पहले यह ध्यान रखना कि अगर कोई दूसरा बंदा अगर उसी नाम से कोई यू बना चुका है तो यहाँ पर पब्लिश का ऑप्शन इस तरह शो नहीं करेगा तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है तो यहाँ पर मेरे इस नाम से मेरे चैनल पर कोई भी बंदा नहीं बनाया है तो यहाँ पर मेरा ये सारा कुछ हो चुका है तो यहाँ पर मैं इसी नाम से रखने वाला हूँ अपना चैनल के नाम से ही तो इतना करने के बाद आपका जब सेव हो जाएगा तो यहाँ पर आपको पब्लिश वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कन्फर्म का ऑप्शन मिल जाएगा तो कन्फर्म पर आपको क्लिक करना है तो इस तरह से आपका चैनल यू सेट हो चुका है अगर आप चाहते हैं कि आपका चैनल यू सेट हुआ है या नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपको कस्टम यू को कॉपी को कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको अब फिर से यहाँ पर आपको मैं सर्च करके दिखाने वाला हूँ तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ और देखते हैं कि मेरा चैनल यू ओपन होता है या नहीं होता है तो देख सकते हैं कि फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर मेरा ओपन हो जा रहा है तो इस तरह से आपका भी ओपन हो जाएगा और यहाँ पर इस तरह से भी अगर आप यू आर एल बना कर लिखेंगे अगर क्रोम या गूगल में कहीं पर भी लिखेंगे इस तरह से लिस्ट डॉट देकर तो इस तरह से भी आपका चैनल ध्यान रखना है कि कस्टम यू आर एल अगर आपका चैनल के नाम से आप बना रहे हैं तो यहाँ पर हो सकता है किसी दूसरे यूट्यूबर ने बना चुका है तो यहाँ पर ये यह चीज़ आपको ज़्यादा ध्यान रखना है जो कि यहाँ पर मैं भी वीडियो में बताया हूँ तो इस तरह से अगर आपका अभी हंड्रेड सब्सक्राइबर हो चुका है और आपका कस्टम यू आर एल ओपन नहीं हुआ है तो आप ईमेल के द्वारा यूट्यूब के पास ईमेल कीजिए बात कीजिए एक बार नहीं दो बार तीन बार इसी तरह ईमेल करते रहे तो आपका भी इस तरह से कस्टम यूआरएल ऑन हो जाएगा और इस तरह से आप भी अपना चैनल के नाम से कस्टम यूआरएल बना सकते हैं तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे हमारे चैनल पर वीडियो मिलती रहती है तो चलिए नेक्स्ट